नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लर्क की, यानी कि बाबूजी की। आप सभी को पता है कि हर एक ऑफिस में ज्यादातर नहीं कह सकते, हर एक ऑफिस में एक बाबूजी जरूर होते हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर वो प्राइवेट दफ्तर हो। आपको एक बाबूजी दिख जाएंगे जिनसे आप जितने भी कागजात वाले बातें होती है ना, उनसे करते हैं। इवन हमारे स्कूलों में हमने देखा है कि फीस के बारे में बातचीत उनसे हो जाती है, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हमें निकालने हैं तो क्लर्क के पास जाना होता है, और बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या काम है उनको, आज हम देख लेते हैं कि एक क्लर्क होते हैं तो उनको क्या क्या काम करना होता है। अगर आप एक क्लर्क बनना चाहते हैं तो क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि जो क्लर्क होते हैं ना, वो डेस्क जॉब ही करते हैं हर जगह पर। मतलब एक डेस्क रहेगी, उनका सिस्टम रहेगा, उस पर वो काम करते रहेंगे। बहुत सारे दफ्तरों में पुराने जो बहुत समय हो गया है जिनको, वहां पर आपको आज भी रजिस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, बट ज्यादातर या कहें 90% आप कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, तो सभी लोग कंप्यूटर पर काम करते हुए दिख जाएंगे। हम चलते हैं डायरेक्टली इनके कामों की तरफ कि क्या क्या काम इनको असाइन किए जाते हैं, इनको कौन कौन से काम देखने होते हैं। अगर आप एक क्लर्क बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप IBPS क्लर्क की नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे होंगे, आप SSC CHSL दे रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आप दे रहे होंगे ताकि आप क्लर्क बन सकें, है ना। तो क्या काम होगा वो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार एक बार चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, चैनल नहीं किया है तो फटाफट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, एक क्लर्क का जिम्मा होता है कंप्यूटर टाइपिंग करना। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो इन्हें टाइप करने पड़ेंगे, तो आपको अगर एक क्लर्क बनना है तो आप ध्यान में रखेंगे कि कंप्यूटर टाइपिंग आपकी अच्छी हो। अच्छी मतलब काफी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग तरह के विभिन्न जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करने का काम बाबूजी का होता है, है ना। अब यहां पर बहुत सारे टाइप्स भी आ जाते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, अपर डिवीजन क्लर्क है, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके, लेकिन इतना समझिए कि अलग अलग डेटा को स्टोर करना, सही तरीके से रखना, ताकि आगे कभी ऑडिट हो तो उसमें आप वो डेटा दे सकें, ये एक क्लर्क का काम होता है। अलग अलग रिपोर्ट्स बनाना, अब ये रिपोर्ट्स एक्सपेंस की भी हो सकती है, अब ये रिपोर्ट हो सकती है भाई कितने लोग एडमिशन लिए हैं किसी संस्था में, या फिर कितने लोग की ज्वाइनिंग हुई है, कितने लोग निकल गए हैं, कितने लोगों को निकाल दिया गया है, या कितने इस बार स्कूल की बात करें तो पास आउट हुए स्टूडेंट, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। तो रिकॉर्ड्स कौन बनाएगा, रिकॉर्ड्स क्लर्क का काम है। जितने पढ़ाई लिखाई वाले काम है, जितने दर्ज करने वाले काम है, रिपोर्ट बनाने वाले काम है, वो सारे क्लर्क के मध्य आते हैं। हाँ, अकाउंटेंट एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन क्लर्क एक ऐसी चीज़ है जो सभी तरफ के चीज़ों को, मटेरियल को रखता है। अब डाक डायरी बनाना और उन्हें भेजना, कलेक्ट करना, ये सारे काम भी क्लर्क ही हुआ करते थे, बट आज के समय में कौन ही करता है, क्योंकि सब कुछ मतलब अब इंटरनेट पर हो गया, ऑनलाइन हो गया है। तो हाँ, जितने भी ईमेल्स कंपनी के लिए आ रहे हैं उनको व्यवस्थित करना, रीड करना, आगे बढ़ाना, जिस तक पहुँचाना है वो पहुँचाना, ईमेल्स हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ये भी चीज़ हो सकती है कि भाई रिक्वेस्ट हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसको सही जगह तक पहुँचाने का काम भी एक क्लर्क का। अब आपकी कंपनी है उसमें अधिकारी होंगे जो समय समय पर मीटिंग करेंगे, तो उसका एजेंडा तैयार करना भी एक क्लर्क का काम होता है। उन मीटिंग्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, व्यवस्था करना, ये सारा काम भी क्लर्क का होता है। कितना एक्सपेंस हो जाएगा, किन किन चीज़ों पर बात होने वाली, सारा काम जो है एक क्लर्क का होता है। इन चीज़ों पर बात करना, साथ ही साथ जो भी चीज़ें लगेंगी, अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स लग सकती हैं, है ना, कि भाई ये वाली रिपोर्ट लाइए, इसके अनुसार ये है, तो वो रिपोर्ट कौन देगा, वो क्लर्क ही देंगे क्योंकि बनाई उन्होंने, उनके पास रखा हुआ है, तो वो ला करके देंगे। ऐसे क्या क्या चीज़ें लगने वाली, उसका भी व्यवस्था करना क्लर्क का काम। बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट जो है अलग अलग अधिकारियों तक पहुंचाना, उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होंगी उन तक पहुंचाना, वहां पर सिग्नेचर लेना तो सिग्नेचर लेना, जो भी काम उनसे करवाना है वो उनको बताना, काम करवाना, ये भी एक क्लर्क का काम होता है। तो देखिए, क्लर्क का काम जो है वो आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल लेवल पर बहुत ही ज़रूरी काम हो जाता है। जब आप एक क्लर्क होते हैं तो आपको टाइपिंग भी अच्छी आनी चाहिए, आपको सारी रिपोर्ट्स भी तैयार करके रखनी है, उसके बाद सही सिग्नेचर भी उन पर लेने हैं। मतलब आप एक कड़ी हो जाते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं कंपनी के, उनके उनसे और अपने अधिकारियों के बीच की कड़ी हो जाते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा सामंजस्य बनाना होता है। कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कुरियर हो गया, या फिर फैक्स मशीन होगी, उन सबको सही तरीके से काम करवाना, मतलब वो सारी मशीनें सही तरीके से यूज़ करना, है ना, उनका समय समय पर मेंटेनेंस देखना, और साथ ही साथ उन पर जितने भी काम होते हैं, अब प्रिंटर है तो वो प्रिंट करने का काम करेगा, तो आपको सारे प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, आपको सारे के सारे फैक्स देखने पड़ेंगे, कोई नया इन्फॉर्मेशन आया तो वो फैक्स निकाल करके आप सही अधिकारी तक पहुंचाने वाले, कोई कॉल आता है किसी कस्टमर का या किसी दूसरे कंपनी का, किसी क्लाइंट का, तो उसको आप रिसीव करते हैं, आप पता करते हैं किस तक पहुंचना है, फिर उस अधिकारी तक पहुंचाते हैं, तो ये सारे काम भी आपको करने पड़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये बीच की कड़ी हो जाते हैं क्लाइंट्स की और हमारी कंपनी के बीच में, तो आपको ये सारा काम देखना पड़ता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो सारे काम कर रहे हैं आप, ये क्लर्क की तरह आप काम करेंगे, तो क्लर्क बनेंगे कैसे।
देखिए अगर प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएंगे तो प्राइवेट जितनी भी कंपनीज है उसमें आपको या तो आपको इंडीड पर या अपना पर या जितने भी प्लेटफॉर्म्स है मॉन्स्टर नौकरी इन पर सर्च करना होगा कि कहाँ पर क्लर्क की जरूरत है। अगर आप सरकारी दफ्तर में क्लर्क बनना चाहते हैं तो काफी सारे एग्जाम्स लिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे के लिए NTPC का एक एग्जाम होता है जो कि आपको क्रैक करना होता है। उसमें भी वही चीज होती है कि आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, आपसे मैथ्स पूछी जाएगी, आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजों पे आपका हाथ अच्छा रहना चाहिए। मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीजों पर तैयारी आपको करनी होगी। फिलहाल आप ये जान लें कि किस संस्था के लिए कौन सा एग्जाम होता है। तो रेलवे के लिए NTPC का एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, कैंटीन में जाना चाहते हैं, CBI में जाना चाहते हैं एज अ क्लर्क, पासपोर्ट कार्यालय में जाना चाहते हैं, मत्स्य पालन विभाग में जाना चाहते हैं, चुनाव आयोग में जाना चाहते हैं एज अ क्लर्क बन करके कि अब आप चुनाव आयोग में एज अ क्लर्क जाए भर्ती होना चाहते हैं, कृषि विभाग में जाना चाहते हैं, जिस भी आपको इस तरीके के विभाग में जाना है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, यानी केंद्र के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पर SSC CHSL की परीक्षा क्रैक करनी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसकी परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी। जब ये क्रैक आप कर लेते हैं, जब ये पास आप कर लेते हैं, तो फिर आप जो है एक बाबू के तौर पर, एक क्लर्क के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है। आप सिलेक्ट करते हैं फॉर्म भर समय कि किस किस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आपको IBPS क्लर्क की जो है एग्जाम देना होता है, उसको क्रैक करना होता है। या फिर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में क्लर्क बनना है, तो अगर प्राइवेट स्कूल है तो आपको डायरेक्टली वॉक इन जाकर के वहाँ पर देखना होगा। या फिर सरकारी संस्था है तो वहाँ पर अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम निकलता है तो वो आपको क्रैक करने होंगे, तब जाके आप वहां पर बाबू या क्लर्क की नौकरी ले सकते हैं। अब इनमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ टाइप्स होते हैं क्लर्क के, तो मेन टाइप्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है LDC, जिसको बोला जाता है लोअर डिवीजन क्लर्क, है ना, तो ये नाम से स्पष्ट है कि थोड़े जूनियर क्लर्क होते हैं। इसके बाद आता है UDC, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। इसके अलावा होता है क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी आप क्लर्क तो है ही है, साथ में आप टाइपिस्ट का भी काम करने वाले हैं। हिंदी में देखा जाए तो लिपिक और क्लर्क बोला जाता है उन्हें, कि भाई जो टाइप भी करते हैं, लिखने का भी काम करते हैं। कमर्शियल क्लर्क्स भी होते हैं। कार्यालय सहायक या ऑफिस असिस्टेंट को भी क्लर्क की ही पोस्ट दी जाती है। आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है, तो इनको भी जो है क्लर्क ही कहा जाता है, वो भी नौकरी आप ले सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने कहा ना, अकाउंटेंट्स के मामले में भी इनका काम रहता है, तो अकाउंटेंट्स क्लर्क भी एक पोस्ट होती है जो कि आप कर सकते हो। तो ये तरह तरह की पोस्ट हो गई दोस्तों, जो कि आप ले सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे, अलग अलग कंपनीज होगी, तो आपको सर्च करनी होगी इंडीड पर। अगर आपको नौकरियों के बारे में नहीं जानकारी ज्यादा, तो मैं डेली एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अच्छी नौकरी ले पाए। और हाँ, एक और बात दोस्तों, मैंने ये बोला था कि एग्जाम देना पड़ता है, तो किन किन चीज़ों में आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएगी वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और उसमें भी पासिंग मार्क्स रहेंगे, तो 50 नंबर का अगर अंग्रेजी है तो उसमें से आपको अच्छे खासे मार्क्स निकाल के लाने पड़ेंगे। फिर होता है हिंदी भाषा, कुछ एग्जाम्स में हिंदी भाषा का भी अलग से टेस्ट होता है, बाकी कुछ में नहीं होता। जैसे SSC CHSL देने जाएंगे वहाँ पर हिंदी का कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है। इंग्लिश आपको सेम पेपर में इंग्लिश भी 50 नंबर का आ जाता है, हिंदी के लिए कुछ नहीं रखा गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी आपको तैयारी करनी होगी। गणित, या उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है, कि भाई आपको जो 10वीं तक की गणित है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग, वो काफी अच्छे से आए, आपको परसेंटेज निकालना है, आपको आपको भिन्नों का ज्ञान होना चाहिए, सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं। और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे क्लर्क बन पाते। तो ये है दोस्तों क्लर्क के बारे में सारी जानकारी। आई होप मैंने सब कुछ आपको बताया। अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर आंसर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।